अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिपीज़ बाय बंगश। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्रिस्पी फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से हम आपको इसे बनाना सिखाएंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमने लिया है एक कटर बोर्ड, उसके ऊपर जो है हम आलू को अच्छी तरह से छील लेंगे। तो आप आलू से जो है सारी स्किन जो है रिमूव कर देना है आपने कटर की मदद से, और उसके बाद जो है हम इसे फिंगर शेप में कट करेंगे। तो इस तरह से आपने जो है इसे कट करना है। हम इसे ज़्यादा मोटा नहीं कट करेंगे, हम इसे बारीक कट करेंगे या नॉर्मल जो है इस तरह का हम इसे कट करेंगे। तो आपने सारे आलू को जो है इस तरह से कट कर देना है फिंगर शेप में। तो ये देखिए हमने सारे आलू को जो है कट कर दिया है। अब जो है हमने लिया है एक बाउल, उसमें हमने ठंडा पानी ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें विनेगर यानी सिरका ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसके बाद मैं इसमें जो है फिंगर चिप्स जो हमने कट किए थे आलू को वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अगर आपने पानी में बर्फ़ नहीं ऐड किया, जस्ट ठंडा पानी ऐड किया है, तो आप इसे फ्रीज़र में भी 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसे पानी जो है ड्रेन कर देंगे और इसे रख देंगे ताकि इसे जो सारा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है हम एक टॉवल लेंगे, या अगर आपके पास टॉवल अवेलेबल नहीं है साफ़ टॉवल, तो आप जो है टॉवल पेपर ले लें, उसके साथ इस आलू को अच्छी तरह से आप ड्राई कर दें इस तरह से, ताकि जो पानी बचा कुचा पानी है वो भी अच्छी तरह से आलू से निकल जाए। तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से आलू को जो है ड्राई कर देना है टॉवल की मदद से। उसके बाद जो है हम टॉवल से सारा जो सारे जो आलू हैं वो कटिंग बोर्ड पे रख देंगे या अलग प्लेट में रख देंगे, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वहाँ उस पे रख दें। और उसके बाद जो है हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हमने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से आप जो है इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़क दें और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दें ताकि आलू पे अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर लग जाए। और ये देखिए हमारे जो आलू है वो अच्छी तरह से इस पर कॉर्नफ्लावर लग चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल लिया है, ऑयल को हमने लो मीडियम हीट पे अच्छी तरह से गर्म कर दिया है। अब हम इसमें एक एक करके फ्राइज़ को ऐड करते जाएंगे और इसे हम लो मीडियम हीट पे अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। तो बहुत ही एहतियात से आपने एक एक करके इसमें फ्राई ऐड करते जाना है। जब हम इसमें आलू ऐड कर दें तो हम तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसके नीचे जो है फ्लेम कम कर देंगे। और उसके बाद आपने जब इस पर थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए तो तब इसमें आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि जो आपके फ्राइज़ है उस पर इक्वली अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और ये देखें हमारे जो फ्राइज़ हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल देंगे।
और ये हमारी जो फ्राइज़ की रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म के फ्राइज़ बने हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पामान।